देवास में नर्मदा नदी के फतेहगढ़ घाट पर रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्यवाही की है। यहां दबिश देकर अवैध उत्खनन में लगे 28 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। कार्यवाही करने के लिए प्रशासन की टीम फिल्मी अंदाज में ट्रैवलर गाड़ी में तीर्थ यात्री बनकर पहुंची थी। देवास जिले के सतवास स्थित नर्मदा घाट फतेहगढ़ से लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी बार बार शिकायत मिलने पर एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने पुलिस के साथ फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की। छापामार प्रशासनिक टीम तीर्थ यात्री बनकर नर्मदा घाट पर पहुंची। अचानक हुई छापामार कार्रवाई से अवैध रेत निकालने वालों में हड़कंप मच गया और वे टीम को देखते ही भाग खड़े हुए। रेत से लदी 28 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गई हैं। ये माइनिंग की और प्रशासन की टीम थी, जिसमें तहसीलदार और जिले से आए हमारे माइनिंग के इंस्पेक्टर है, एक रेखा जी और वो तो विश्वकर्मा जी है। हाँ, ये थाना प्रभारी जो सतवास है, इनका भी पूरा रहा, फोर्स रहा और साथ ही कन्नौज से भी फोर्स रहा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।